हे गाइस, वेलकम टू टेक्नोस्फीयर सॉल्यूशंस। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो यार आज की वीडियो में अपन देखेंगे कि हम अपना टेलीग्राम का जो अकाउंट होता है उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट मतलब परमानेंटली डिलीट। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूँ कि अगर आप अपने टेलीग्राम का अकाउंट डिलीट करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सेम नंबर से आप अपना अकाउंट फिर से रिट्रीव नहीं कर सकते। एक्चुअल में आप नहीं कर सकते। देखो, अगर आपने अपना टेलीग्राम का अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया तो आपका जितना भी डेटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आप सेम नंबर से अकाउंट बना तो सकते हो लेकिन आप अपने ओल्ड अकाउंट को और उसका डेटा को रिट्रीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपन चले जाएंगे टेलीग्राम में। टेलीग्राम में जाने के बाद में आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और टेलीग्राम FAQ दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टैब्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको योर अकाउंट का टैब को फाइंड करना है। ठीक है, योर अकाउंट, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट योर टेलीग्राम अकाउंट, अपन इस पर क्लिक करेंगे। बहुत कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप चाहो तो पढ़ लेना, चाहो तो छोड़ देना, पढ़ के कोई मतलब है नहीं। उसके बाद में डीएक्टिवेशन पेज दिख रहा है आपको, इस पर अपन क्लिक करेंगे। ठीक है, डीएक्टिवेशन पेज पे अपन आ गए। अभी यहाँ पे आपको वो वाला नंबर डालना है जिस नंबर से जिस नंबर पे आपका टेलीग्राम अकाउंट है। और ध्यान रहे इस बात का कि कंट्री कोड के साथ में आपको नंबर डालना है, क्योंकि हड़बड़ी में अपन नंबर डाल देते हैं, कंट्री कोड डालना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से कन्फर्मेशन मैसेज अपने पास नहीं आता और अपन परेशान होते हैं, जैसे कि मैं हुआ था। ठीक है, ठीक है, अपन अपना नंबर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, फिर नंबर इंसर्ट करने के बाद अपन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कन्फर्मेशन कोड के लिए बोल रहा है। तो अभी आपने देखा ड्रॉप डाउन मेन्यू में एक मैसेज आया था, वेब लॉगिन कोड डियर शेखर, वी रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम योर अकाउंट फलाना ढमक्का, जो भी है। अपन इसको खोल लेंगे। ठीक है, खोल लेने के बाद में एक चीज़ का ध्यान रखना, इस पेज को लीव मत करना। ये जो पेज है ना पर्टिकुलर, इसको लीव मत करना। ड्रॉप डाउन मेन्यू से या फिर आप निकाल सकते हो अपने कोड को, या फिर ऐसे करके आप स्लाइड करोगे ना तो आपका टेलीग्राम अलग पेज में खुला होगा। ये तो ब्राउज़र खुला हुआ है। ठीक है, इसको अगर लीव कर दोगे ना तो फिर आपको फिर से करना पड़ेगा सारा प्रोसेस। तो ठीक है, अपन यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद में देखो यहाँ पे योर लॉगिन कोड करके आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसको अपन कॉपी कर लेंगे। ये तो ऐसे कॉपी होगा नहीं, पूरे मैसेज को कॉपी कर लेते हैं। और पूरे मैसेज को कॉपी करने के बाद में इस कोड को अपन कॉपी करते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉपी। और चलते हैं वापस से अपने ब्राउज़र पे। आ गए अपन ब्राउज़र पे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। हो जा, अरे हो जा, हो गया। ठीक है, आप चाहो तो रिमेंबर मी पे क्लिक, चलो कर देते हैं यार। ठीक है, साइन इन कर देना। उसके बाद साइन इन का ऑप्शन आएगा नीचे में, डिलीट योर अकाउंट का आपको ऐसे एक पैराग्राफ टाइप का दिखेगा, वाई यू आर लिविंग यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप कुछ भी डाल देना। जैसे मैं टेलीग्राम यूज़ नहीं करता तो मैं इनको ऐसे ही लिख देता हूँ, मैं टेलीग्राम यूज़ नहीं करता। आप अपना जो भी आपका क्राइटेरिया रहेगा आप उसको यहाँ पे लिख देना, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना। डिलीट माई अकाउंट पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा भयानक सा वार्निंग आ जाएगा, आप फलाना ढमाका, आपका सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अरे पगले, यही तो चाहते हैं अपन, सारा डिलीट हो जाए। तो यस, डिलीट माई अकाउंट पे अपन क्लिक करेंगे। तो योर अकाउंट वॉज सक्सेसफुली डिलीटेड फ्रॉम आवर सिस्टम, कम बैक सून। ठीक है, अपन इसको पूरे को बंद कर देते हैं, टेलीग्राम ओपन करके देखते हैं क्या हुआ भाई। तो आप देख सकते हो अपना सारा ख़त्म हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल टेक्नोस्फीयर सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।